के भंडरिया के इलाके में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी केन त्रिपाठी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। लेकिन एक बड़ी खबर आपको वहां से बता दें कि यह इलाका जो भंडरिया का इलाका है वो बूढ़ा पहाड़ से सटा हुआ है, तो यहां पर जो सिक्योरिटी को लेकर थी वो हाई अलर्ट थी सभा को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो यहां से ये आपको दिखाना चाहेंगे, ये मुख्यमंत्री का हेलीपैड है जहां पे ये मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर था वो उतरा था। तो उतरने के पहले जो सिक्योरिटी जांच थी वो सिक्योरिटी जांच में कई तरह की यहाँ चीजें निकल के सामने आई। आपको वो गड्ढा दिखाना चाहेंगे जिसको लेकर के जो है कार्यक्रम करीब एक घंटे की देरी पे शुरुआत हुई थी। ये देखिए ये हेलीपैड बना हुआ जो एरिया है यहीं पे जो है सिक्योरिटी जांच के दौरान जो मेटल डिटेक्टर था उसने कुछ आवाज आई थी, तो आवाज आने के बाद स्पेशल ब्रांच की टीम ने जांच शुरू किया था। तो इस जांच के बाद जो है काफी देर तक जो है मशक्कत चलती रही। और जो आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है हेलीपैड में है यहाँ पे जांच होती रही। जांच होने के बाद जो यहाँ पे गड्ढा जो है वो करीब 3 से 4 फीट खोदा गया, तो उसके अंदर एक लोहे की पाइप मिली। हम तो चूंकि स्टेज पर थे, आप ही लोग से पता चला हमको कि थोड़ा सा विलम्ब हुआ, कुछ मैंने पानी उनी का कुछ मामला आया था, पता चला आप ही लोग से कि पानी कुछ मैंने पाइप उप था जिसके कारण थोड़ा सा जांच हुआ, दोबारा जांच हुई और जांच के क्रम में थोड़ा सा लेट हुई। तो हो सकता है कि कोई पाइप पहले से लगाया होगा, पाइप होगा पहले से, पानी उनी था, कोई मामला नहीं, सब सुरक्षा कर्मी आता है। जो यहाँ पे गड्ढा जो है वो करीब 3 से 4 फीट खोदा गया, तो उसके अंदर एक लोहे की पाइप मिली। उस लोहे के पाइप की असल ब्रांच ने पूरी तरह से जांच किया। इस जांच के बाद अस्वस्थ हुआ, जिसके बाद हेलीकॉप्टर उड़ने की अनुमति दी गई थी। हमारी बात झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिन्हा और गुड्डू सिन्हा से हुई। उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि कुछ हेलीपैड पे सामग्री मिली थी, जिसके मामले में जो है आगे जांच की जा रही है और छानबीन भी की जा रही है। लेकिन वैसा कोई बात नहीं था जिससे वह परेशानी वाली बात थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह कोई वैसा परेशान करने वाली बात नहीं थी जिससे लोगों को परेशान होने या सुरक्षा को लेकर कोई खतरा था। नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पलामू।